हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास फर्स्ट चैप्टर हमने हार्डवेयर कॉन्सेप्ट कल क्लियर कर लिया था। अब हम इनपुट डिवाइस पे आएंगे। मेमोरी वाला चैप्टर हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि मेमोरी का मैं दो चैप्टर मतलब फिफ्थ चैप्टर के साथ में ले लूँगा एक साथ में। इनपुट डिवाइस कल हमने पढ़ा था, आज भी हम वही पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब हमें सबसे पहला दिया गया चैप्टर इनपुट डिवाइसेस, चैप्टर सेकेंड, ठीक है ना। अब इसके अंदर जिस भी चीज़ मैंने आपको इनपुट के बारे में बताया था कि जिस भी चीज़ से हम डाटा प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर में उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। सबसे पहला इसमें नाम आता है वो होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड, द कीबोर्ड इज अ वे टू इनपुट सिंबल्स, लेटर और नंबर्स इनटू द कंप्यूटर थ्रू डिफरेंट एप्लीकेशन और प्रोग्राम। कीबोर्ड तो आपने सबने दे रखा है कैसा होता है, ठीक है। ये सामने जो डायग्राम दिया है इसी बेस में होता है कीबोर्ड, ठीक है ना। अब जो कीबोर्ड हम यूज करते हैं उसे क्यूरेटी कीबोर्ड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है क्यूरेटी? वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके जो फर्स्ट लेटर होते हैं, ये आपको दिख रहा है QWERTY, क्यूरेटी, इसी के बेस पर इसे क्यूरेटी कीबोर्ड बोला जाता है, जिसका हम नॉर्मली सभी जगह का यूज करा जाता है। ये पुराने टाइप में जो टाइपराइटर होते थे, जो आपने अगर देखा होगा किसी ने, जो टाइपराइटर होते थे उसी के बेस पर बनाया गया, बस इसमें कुछ एडिशनल कीज बटन जोड़ दिए गए हैं। अब जैसे आपको दिया गया है यहाँ पे, ये रहे ऊपर जो रहते हैं उन्हें F1 F2 के नाम से जो कीज रहती है उसका फुल फॉर्म होता है फंक्शन कीज, ठीक है ना। पूरे इसको क्या बोला जाता है? कीबोर्ड, जहाँ बटन होते हैं हमारे कंट्रोल की, यहाँ ऊपर हेडिंग में आपको दिख रही है। नेक्स्ट दिया है न्यूमेरिकल कीज, जो नंबर्स होते हैं, एरो कीज, लेफ्ट राइट अपर डाउन, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है ना। फिर हम आते हैं इसके बाद में माउस पे। माउस सबने देख रखा है कैसा होता है, क्या काम करता है, यूज़ करा होगा, ठीक है ना। किसी बच्चे ने नहीं करा हो तो वो भी कंप्यूटर में देख सकता है कि माउस कैसे यूज होता है। अब माउस होता क्या है? माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। इसमें क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, हमारा कंप्यूटर जो रहता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में चलता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है ना, GUI मतलब डायग्राम, चित्रों के द्वारा चलता है। तो जो माउस होता है उसमें एक इस तरीके से डिजाइन करा जाता है उसे कि इसमें एक पॉइंट होता है, ठीक है ना। पॉइंट होता है, कर्सर रहता है, जिसको हम माउस जैसे जैसे घुमाते जाएंगे वो कर्सर भी स्क्रीन पे उस हिसाब से मूव करते जाता है। और हमें ये समझ में आ जाती है कि हमें कौन सी चीज़ पे क्लिक करके, जैसे हम टच मोबाइल चलाते हैं टच स्क्रीन पे, जहाँ हमें जो चाहिए हम वो बटन दबा देते हैं। तो कर्सर में भी यही रहता है कि हम गए जिस चीज़ को चाहिए उस पर, कर्सर जहाँ हमारा गया उस पर हम क्लिक कर देंगे तो वो चीज़ हमारी आ जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर माउस में अब कितने, सबसे पहले तो नीचे यहाँ पर ये देखिए आगे दे रखा है आपको, ये रहा। अब यहाँ पर पेज स्क्रॉल बटन, माउस के ऊपर एक गोल बटन होता है, ठीक है ना, यहाँ पे ये वाला, ये बटन क्या रहता है, घूमता है, जिससे क्या होता है आपका जो पेज हैंगे वो टर्न हो जाते हैं। कंप्यूटर में, बुक के नहीं बोल रहा हूँ, कंप्यूटर के जो पेज रहते हैं इसके द्वारा क्या होते हैं वो पेज टर्न। जैसे हम कोई फाइल वगैरह बनाते हैं तो जब वो फाइल के हमको पेज बहुत सारे रहते हैं कि 150 पेज हैं, तो इसी स्क्रॉल की वजह से हम वो पेज क्या करते हैं, अप डाउन करते हैंगे। फिर आता है लेफ्ट बटन, राइट बटन, इन्हीं को क्लिक करने के साथ में जहाँ हमारा कर्सर रहता है वो स्टार्ट होता है, वो फंक्शन पूरा करता है। अब ये हो गया ऊपर की बातें, अब नीचे देखते हैं। ये रहा माउस के नीचे का सिस्टम, ठीक है ना। आप सबके पास में बुक है, आप बुक में से देख सकते हैं, ये बीच में जो सर्कल दे रखा है, ठीक है ना, डॉट दे रखा, बॉल दे रखी है, ये क्या होती है, यही उस माउस का जो कर्सर रहता है उसको मूवमेंट करने पर मदद करती है। आप कभी भी माउस को पलट के देखना, उसके नीचे एक बॉल लगी रहती है, जिसको हम घुमाते जाते हैं बॉल भी घूमती जाती है, जिसके द्वारा क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जो कर्सर है वो चारों तरफ मूव कर लेता है, ठीक है ना। अब माउस के टाइप्स पढ़ते हैं। ये तो सिंपल माउस हो गया हमारा, माउस के टाइप्स ऑफ माउस, माउस हमारे नॉर्मली 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तरह के माउस हमें इस बुक में दिए गए। पहला मैकेनिकल, ऑप्टिकल, कार्डलेस, टचपैड, जॉयस्टिक और ट्रैकबॉल। अब मैकेनिकल माउस, मैकेनिकल माउस क्या होता है जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, ठीक है ना, नॉर्मली जो माउस सभी जगह यूज करा जाता है उसे मैकेनिकल माउस कहा जाता है, ये रहा, ठीक है ना। अब इसमें टाइप ऑफ कंप्यूटर माउस दैट कंटेन्स अ मेटल ऑफ रबर बॉल ऑन इट्स अंडर साइड व्हेन द बॉल इज रोल्ड इन एनी डायरेक्शन, सेंसर इनसाइड द माउस डिटेक्ट दिस मोशन एंड मूव्स द ऑन स्क्रीन माउस पॉइंटर इन द सेम डायरेक्शन। अब इसमें क्या होता है मैकेनिकल माउस में, रबर की एक बॉल होती नीचे, नीचे जो बॉल हमने ये वाली देखी थी ये रबर की एक बॉल होती है,
जो मूवमेंट करती हैगी, ठीक है ना, सेम माउस रहता है, इसमें क्या रहती है, केबल लगी रहती है, इस तरीके जो केबल रहती है ये कहाँ यूएसबी कनेक्टर होता है जो जाके हमारे सीपीयू में कनेक्ट हो जाता है, इसके द्वारा वो पूरा कंप्यूटर हम इससे कंट्रोल कर लेते हैं। इसमें भी वही लेफ्ट राइट बटन, स्क्रोल व्हील जो यहाँ था वो यहाँ भी रहता है, ठीक है ना, प्लास्टिक कास्टिंग मतलब ऊपर कवर प्लास्टिक, यूएसबी कनेक्टर और नीचे एक बॉल होती है, ये जो नॉर्मली हमारा होता है, ये हो गया हमारा मैकेनिकल माउस। अब ऑप्टिकल माउस पे आते हैं। ऑप्टिकल माउस यूटिलाइज लाइट इमिटिंग डॉट्स एलईडी। अब क्या रहता है, आपने लाइट वाले माउस देखे होंगे, ठीक है ना, कि लाइट वाला माउस होता कैसा आएगा, 13 लाइट वाला माउस, इसमें भी सभी चीज़ें वैसी हैगी, यहाँ भी लेफ्ट राइट का स्विच हैगा, स्क्रॉल बटन हैगा, और इसके अंदर जो ये वाला सरफेस दिख रहा है आपको, जो ये वाला एरिया दिख रहा है डायग्राम में, ये कौन सा है हमारा, ये वाला हमारा जो माउस है ये हमारा लाइटिंग एरिया आएगा। अब लाइटिंग एरिया क्यों दिया गया हमें, लाइटिंग एरिया इसलिए हो गया हमारा, क्या हम बोल सकते हैं कि यार लाइट चले एलईडी मतलब लाल पीली हरी नीली, इस तरीके से हमारी लाइट क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए, ताकि हमें समझ में आता रहे कि यार क्या हो रहा है। जैसे नए नए डिज़ाइन चलती है, हम एक ही एक चीज़ करके बोर हो जाते हैं, अरे यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, बट इसमें क्या होता है, लाइट जलती है, जैसे हम लेफ्ट राइट क्लिक कर रहे हैं या कुछ भी बटन फंक्शन कर रहे हैं उस हिसाब से ये भी क्या होता है बढ़ते, जैसे आपने बच्चों के खिलौने देखे होंगे उसमें भी लाइटिंग आती है कि नए नए तरीके, लाल लाल कलर की, ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की, ये भी उसी तरह से इसमें लाइटिंग होती है, इस तरीके से यहाँ लाइटिंग होती है और यहाँ भी पूरा अंदर का जो सिस्टम होता है नीचे की साइड से दिखता है उसमें लाइटिंग रहती है। इस कारण से अगर वो उसको ब्लैक या ब्लैक कलर में कर देंगे तो शायद हमें दिखेगी नहीं लाइट, इसीलिए ये चीज़ क्या है कि वाइट कलर में रखी जाती है, सिल्वर टाइप में जो प्लास्टिक आता है उसमें, ताकि लाइट हमें सब फोकस। उसके बाद आता है हमारा कॉर्डलेस माउस। कॉर्डलेस माउस मतलब अब क्या होता है, नई चीज़ आ गई यार कॉर्डलेस, ये बोल सकते हैं हम कार्डलेस माउस, ठीक है ना, जो ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। किसके द्वारा, ब्लूटूथ के द्वारा। इसमें क्या होता है, इस माउस में केबल का यूज़ नहीं होता है, ऊपर की जो दो माउस हमने पढ़ा है उसमें केबल का यूज़ होता है, पर इस वाले माउस में हमारा जो केबल होती है उसका यूज़ नहीं होता है, इसमें किसका यूज़ होता है, ब्लूटूथ का। ये ब्लूटूथ के द्वारा उस कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट हो जाता है और इसके अंदर वो चीज़ फंक्शन होने लगती है। ये हो गया हमारा कॉर्डलेस माउस। नेक्स्ट हम आते हैं तो वो होता है टच पैड, ठीक है ना, जिस सॉरी एक ऊपर भी यहाँ लिखा हुआ है यूएसबी ब्लूटूथ, इसमें सबसे मेन चीज़ होती है वो यूएसबी ब्लूटूथ, इस तरह का ब्लूटूथ होता है। ये क्या होता है, जब माउस लगाने की जो केबल का पॉइंट होता है सीपीयू में, तो उसमें उस पॉइंट को लगा दिया जाता है, उसके बाद क्या करता है वो उससे ब्लूटूथ से उस माउस को कंट्रोल कर लेता है, जिससे वो माउस कर चलता है और चलता है, इसमें तार का काम नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है टच पैड। टच वाला माउस किसमें यूज़ होता है, लैपटॉप में। लैपटॉप आपने देखे होंगे तो वहाँ अलग से माउस रखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसमें क्या होता है कि जो स्क्रीन होती है उसकी, ठीक है ना, जो नीचे का कीबोर्ड होता है उसी के अंदर उसका माउस होता है। यहाँ पर अलग से जैसे इसका हाथ चल रहा है इस डायग्राम में, इस तरीके से आपका बुक में हाथ फेरोगे तो आपका क्या होगा, वो ऑटोमेटिक उस ऐसा एक बॉक्स टाइप में बना रहता है, जिसमें क्या होता है आप उंगली चलाते जाओगे तो वो क्या होगा, अपना कर्सर ऑटोमेटिक घूमते जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा टच पैड माउस। नेक्स्ट आता है हमारा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है, जॉयस्टिक माउस होता है हमारा जो गेम खेलने के लिए यूज होता है। गेम जब भी हम खेलते हैं तो जॉयस्टिक इस तरीके का होता है। अगर आप किसी प्ले स्टेशन वगैरह में गए हो तो वहां पर आपका क्या होगा, जॉयस्टिक माउस लगा रहता है। जैसे हम किसी भी तरह का, जैसे इस तरह का यहाँ बटन हैगा, उसमें भी लेफ्ट राइट बटन आप गेम खेलते होगे, ठीक है ना, तो वो क्या होता हैगा कि जो गेम रहता है उसमें प्लेयर को चलाने के लिए जो वहाँ के जो डिजिटल ये बोल सकते हैं कार्टून वगैरह जो चलते हैं उसमें, उनको एडजस्ट करने घुमाने के लिए क्या रहता है, हमारा माउस चलता रहता है। तो ये दे रखा है आपको, शायद वो दिखा नहीं था, ये रहा, ठीक है ना, इस तरीके का माउस आता है जॉयस्टिक। ये सिर्फ गेम खेलने के लिए इस माउस का यूज़ होता है। उसके बाद आता है हमारा ट्रैक बॉल। लास्ट वाला पॉइंट आता है ट्रैक बॉल। अब ये ट्रैक बॉल हैगा, यहाँ पर कोई स्विच नहीं होते, ये तीन तरह का हो गया, पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता हैगा, जो भी चीज़ कंट्रोल, जैसे अभी पहले वाले में हमारे पास में बटन थे, स्विच थे तीन, ठीक है ना, ऊपर क्या उसमें स्क्रॉल बटन था, लेफ्ट राइट कीज थे। यहाँ पर क्या हैगा, ना हमारे पास स्क्रॉल बटन है और ना लेफ्ट राइट कीज हैगी। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक बॉल होती है, बॉल को हम घुमाते जाते हैं, उसको डाउन करते दबाते हैं
तो वो अपना काम करने लग जाता है, रेफ्ट लाइट क्लिक, उसमें सब बॉल के अंदर ही सारे फंक्शन अवेलेबल रहते, तो आपको उसमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बॉल का टाइप का। आई होप आपको सारे डायग्राम क्लियर हो गए होंगे, मैंने आज लेक्चर इसीलिए बोर्ड में नहीं लिया हैगा ताकि आपको सारे डायग्राम के हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है ना। अब इसके बाद कुछ नाम और लाइट पेन टच स्क्रीन, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, आज हमारा माउस वाला चैप्टर पॉइंट क्लियर हो गया है। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैंगे, ठीक है ना। थैंक यू।